इस तरह से बढ़ाना, लगाओ दिमाग, तो 3 × 3 नौ, एक बार इसको हम यहाँ ऊपर लिख देंगे। फिर अगले स्टेप में इसको जोड़ना है, इसको घटाना है। जो 2 अंक हमने अंडरलाइन किए उसको यहाँ नीचे ले आएंगे। अब इसके साथ जैसे मैं 7 लेता हूँ, 7 का गुणा करता हूँ। ध्यान क्या रखना है, जिस संख्या को इसके साथ लिखेंगे उसी का गुणा करना है। तो एग्जैक्ट मुझे यही मिल जाता है, किसको लिया मैंने, 7 को, तो यहाँ ऊपर लिख देंगे। फिर घटाया, 0 आ गया। आगे कोई अंक है क्या, नहीं है, तो मतलब प्रक्रिया पूरी हो गई। यह जो वैल्यू निकला है कितना, 37, ये आपका आंसर है। तो आपने क्या किया, देखिए, स्टेप फर्स्ट संख्या लिया, उसके बाद गुणा किया, उसके बाद जोड़ा और घटाया, ठीक है। जोड़ने पर कितना आ गया 6, घटाने पर कितना आ गया 4। ऊपर से 2 डिजिट जो हमने अंडरलाइन की उसको यहाँ हम नीचे ले आते हैं। 2 डिजिट अंडरलाइन क्यों किया था, क्योंकि इसमें 2 डिजिट आपके एक साथ चलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या किया, फिर वही संख्या लिया, उसका गुणा किया कि इससे बढ़ाना है, तो 7 आ गया, ये आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। इसको आप ऐसे आसान तरीके से समझ सकते हैं।